नमस्कार। आज की हमारी खबर रूस और यूक्रेन की है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पिता अपनी बेटी से दूर हो रहा है। इस मंजर को देख सभी की आंखों में आंसू आ गए। काफी दिनों से चले आ रहे तनाव के बाद गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। खबर है कि रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध में पहले दिन 137 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर हमले से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन सब के बीच कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो दिल को दहला देने के लिए काफी हैं। इसी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पिता अपनी बेटी से दूर होते समय फूट फूट कर रोते दिख रहे हैं। इस मंजर को जिसने भी देखा अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच सामने आया यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप इस वीडियो की झलक भी देख सकते हैं। Не снимай, носи. Дарюш. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान एक पिता बेटी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए बस में बैठा रहा है, लेकिन इस दौरान उसे अपनी बेटी से दूर होने पर रहा नहीं गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इमोशनल हो सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो को देखने के बाद काफी दुखी हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक यह शख्स अपनी बेटी के साथ सुरक्षित स्थान पर नहीं गया क्योंकि उसने अपने देश की रक्षा करने का फैसला किया था। गुरुवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि सरकार उस सभी यूक्रेनी नागरिकों को हथियार देगी जो रूसी आक्रमण के खिलाफ अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। एक तरफ लोग शख्स के इस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ये वीडियो देख काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई खबर के साथ। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं वॉक्सी टॉक्सी से गरिमा, आगे आने वाली नई जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ।